Hi grade 5th, in previous class of EVS, we had completed chapter number 7. Today I am starting with chapter number 8, Forest and Tribal Life. Forest मतलब jungle और tribal life मतलब jungle में रहने वाले लोगों की life. Warm up. Even though urban areas are fast increasing in India, urban areas मतलब mostly city areas. जो हम शहर विस्तार कहते हैं ना वो तो अर्बन एरियाज मतलब सिटी की लाइफ. इवन दो अर्बन एरियाज आर फास्ट इंक्रीज इन इंडिया मेनी पीपल सच एज ट्राइबल्स एंड सर्टन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एंड हिल्स हैव मेनी डिफरेंट लाइफस्टाइल्स. हालांकि जो सिटी की लाइफ है वो बहुत ज्यादा फास्ट चेंज हो रही है देन टू जो ट्राइबल लाइफ्स है जो कोई किसी किसी गांव के नजदीक या फिर जंगल के नजदीक या फिर हिली एरियाज के नजदीक में जो भी ट्राइबल लाइफ्स ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल आज भी डिफरेंट है. हाउ डू यू थिंक देयर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ. आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ में क्या फर्क है. राइट योर आंसर इन द स्पेस गिवन बिलो. आप यहाँ आपका आंसर लिखोगे. जैसे कि हमारी जो लाइफ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हम थोड़े फास्ट जीते हैं और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन है जबकि वो लोग मस्त नेचर में हैं ग्रीनरी में हैं तो उनकी लाइफ उतनी ही पीसफुल है उतनी ही वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी कम है नेचर है ग्रीनरी है. सो ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं. द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स आउट ऑफ डोर्स. फॉरेस्ट का जो वर्ड है ये जो वर्ड फॉरेस्ट है वो लैटिन वर्ड्स फॉरेस्ट से आया है जिसका मतलब होता है आउट ऑफ डोर्स डोर्स के बाहर मतलब दरवाजे के बाहर. A forest has different types of trees and wild animals. Have you ever been to a forest? Forest में क्या क्या होता है different types के trees होते हैं और wild animals होते हैं. क्या आप कभी forest गए हो. Importance of forest. Forest clean the air we breathe. Forest जो हमारी हम जो सांस लेते हैं वो एयर को क्लीन करता है. कैसे क्लीन करता है एनवायरमेंट में अगर पोल्यूशन ज्यादा है और हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं पोल्यूशन ब्रीथ इन करने वाले तो जितना वाइल्ड मतलब जितना थिक जंगल होगा जितना बड़ा जंगल होगा उतनी ही एयर जल्दी से क्लीन होगी क्योंकि जंगल में बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो ब्रीथ इन करने के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे. सो जैसे ही फॉरेस्ट ठीक होता है इट विल क्लीन आवर एयर विच वी यूज फॉर ब्रीदिंग. ग्रीन ट्रीज आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस दैट वी एक्सेल एंड गिव आउट वेन वी ब्रीथ टू मेक देयर फूड. जैसे मैंने कहा कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और इससे क्या होता है उनके लिए उनका खाना बनता है और हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन मिल जाता है. दे इन टर्न गिव आउट द ऑक्सीजन when they make their food. जैसे मैंने बताया कि वो लोग जब अपना खाना बनाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं मतलब ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और क्या एक्सेल करती है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जब एक्सेल करती है तो दे गिव आउट ऑक्सीजन जो हमारे लिए काम का है. फॉरेस्ट ऑल्सो गिव शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. फॉरेस्ट और क्या क्या करता है शेल्टर मतलब घर देता है किस किस को घर देता है
वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को भी घर देता है. फर्दर मोर द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट ब्रिंग रेन एंड अलाउ द रेन वाटर टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल और ग्राउंड. और फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट रेन लाने में हेल्प करता है. रेन लाने में हेल्प कैसे करता है, हमने लास्ट ईयर वाटर साइकिल पढ़ा था. वाटर साइकिल में क्या था कि सी वाटर जब गर्म होता है तो वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है. क्लाउड्स में जब कन्वर्ट होता है तो वो हवा की वजह से आगे मूव होता है, और वो मूव होते होते ऐसी जगह पे आके रुक जाता है जहां पे आइदर ग्रीनरी ज्यादा हो, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट पे, या फिर हिली एरिया पे आके रुक जाता है और बारिश वहीं पे ही गिर जाती है. सो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि फॉरेस्ट ब्रिंग रेन्स एंड अलाउ रेन वाटर टू अब्सॉर्ब बाय द सॉइल और ग्राउंड. इसीलिए मैंने जैसे कहा कि अगर थिक मतलब फॉरेस्ट होगा तो वहां पे आके बारिश गिर जाएगी, और जैसे ही बारिश गिरेगी वो सॉइल, फॉरेस्ट की जो सॉइल होगी वो पानी को अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी. पानी को अंदर कैसे अब्सॉर्ब कर लेगी, क्योंकि वो थिक फॉरेस्ट है, उसकी जड़े जो ट्रीज है, प्लांट्स है, उनकी जड़े ऑलरेडी सॉइल के अंदर मजबूत पकड़ के साथ है, तो जितना भी पानी है वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा और वहीं पे कंजर्व हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा. रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल और ग्राउंड सो दैट दे आर नॉट इजीली वॉश्ड अवे और अपरूटेड इन द फ्लड्स और रेन्स. जैसे मैंने बताया कि जो सॉइल के रूट्स होते, सॉरी ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो उसको कहीं पे जाने नहीं देते. इसकी वजह से क्या नहीं होता, पानी चला नहीं जाता. द सॉइल इज नॉट इजिली वॉश्ड अवे, उसे पानी जल्दी से जाता नहीं है. वुड कम्स फ्रॉम अस, वुड कम्स टू अस फ्रॉम द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है, वुड मिलता है. वुड मतलब लकड़ी. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द थिंग्स लाइक रबर, पेपर, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा. हमें और फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, फॉरेस्ट हमें और क्या क्या चीजें देता है. फॉरेस्ट हमें रबर देता है, पेपर, गम्स एंड एसेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा. द फॉरेस्ट इज अ होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट दस कंटेन्स रिच बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड बर्ड्स रहते हैं, तो उसकी वजह से हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, वी आर मल्टीलिंगुअल कंट्री. ठीक है, वैसे ही जब फॉरेस्ट में अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. सो होप दिस इज क्लियर, एंड विद दिस आई लर्न दिस क्लास, एंड योर टूडेज वर्क इज यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन विद दिस आई लर्न दिस क्लास. And your today's homework is you will complete this warm-up activity. So, hope this is clear. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.